अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे खुबानी का मीठा। खुबानी का मीठा एक ट्रेडिशनल डिज़र्ट है जिसे सिंपली खुबानी की प्यूरी बनाकर और क्रीम के साथ सर्व किया जाता है। बाज़ दफ़ा इसे वनीला कस्टर्ड के साथ भी सर्व करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे सिंपली बनाकर क्रीम के साथ सर्व करें, अच्छे से ठंडा होना चाहिए, या फिर आप इसे इस तरह क्रीम से डेकोर करके आप सर्व कर सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आज मैं आपको खुबानी के मीठे की रेसिपी दूंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें खुबानी चाहिए। खुबानी हम तकरीबन 400 ग्राम लेंगे। सूखी हुई खुबानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ जिसे मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था, और अब मैं इसे एक देचकी में डालूँगी। मैं जो खुबानी यूज़ कर रही हूँ ये सीडलेस थे, यानी कि इसमें सीड्स नहीं थे। और अगर आप ऐसी खुबानी यूज़ कर रहे हैं जिसमें सीड्स हों तो आप उससे सीड्स निकाल कर जो बीज हैं उसके वो आप निकाल कर अलग रख लें, और खुबानी को एक बर्तन में डालें। तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें डालें और इसे ढककर 20 मिनट के लिए पका लें। 20 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी सी खुबानी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 1.5 कप हम इसमें चीनी डालेंगे और थोड़ा सा रेड फूड कलर। ये फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकती हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकती हैं। और अब हम इसे ढककर मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छे से नरम हो जाए और इसमें जो पानी है वो तकरीबन सूख जाए। ये आप देख सकती हैं, ये अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हम इसको मैश करेंगे। बाज़ दफ़ा इसकी प्यूरी भी कोई कोई बना लेता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्यूरी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे प्यूरी इसमें अच्छी नहीं लगती। पर्सनली मेरा ये है कि मैं इसको पोटैटो मैशर से इस तरह करके थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप प्यूरी भी बना सकती हैं, लेकिन मैश किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें पील किए हुए बादाम डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसके बीज जो होते हैं तो वो निकाल कर उसे पील करके आप इसमें डाल सकती हैं, लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो सीडलेस थे, इसलिए मैं इसमें सेपरेटली बादाम जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे और बीच में से कट कर लिया था वो इसमें मैंने डाले हैं, तकरीबन 1/2 कप। और ये अच्छे से हमारी प्यूरी तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे एक सर्विंग डिश में निकालेंगे। सर्विंग डिश में निकाल लेने के बाद आप इसे सिंपली इसके ऊपर क्रीम डालकर और थोड़े से नट्स डालकर इसे सर्व कर सकती हैं। अच्छे से ठंडा करने के बाद आप इसे सर्व कर सकती हैं, लेकिन मैं इसे कस्टर्ड के साथ सर्व करूंगी। तो वेनिला कस्टर्ड बनाने के लिए हम 1 कप फ्रेश मिल्क लेंगे और इसमें 5 टेबलस्पून हम वेनिला कस्टर्ड पाउडर का ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड पर इसे रख लेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून तकरीबन 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी होते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये आपके कस्टर्ड पाउडर पर डिपेंड है कि आप कौन सा वाला यूज़ कर रही हैं। तो अगर आप अच्छा वाला यूज़ कर रही हैं तो आप 5 से 6 टेबलस्पून काफ़ी होगा 1 लीटर दूध के लिए। अब हम 1 लीटर फ्रेश मिल्क लेंगे और इसे एक बर्तन में डालकर उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें हमने 1/2 कप चीनी ऐड कर लेनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। उबाल आ चुका है, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके कस्टर्ड पाउडर जो मिक्सचर था हमारा वो हम ऐड करेंगे। और जैसा कि आप देख रही हैं मैं यहाँ पे इसे हैंड विस्कर से इस तरह करके विस्क कर रही हूँ। हैंड विस्कर से मिक्स करने से ये होगा कि इसमें लम्स नहीं होंगे बिल्कुल भी, ये स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकती हैं इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा आपको पतला लग रहा हो तो आप इसमें मज़ीद कस्टर्ड बनाकर इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये कस्टर्ड हमारा रेडी है, अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर। अब हम इसे जो खुबानी की हमारी प्यूरी हमने बनाई थी वो इसके ऊपर अब हम ये कस्टर्ड डालेंगे, इस तरह करके एक लेयर बना लेंगे इसके ऊपर। और लेयर बना लेने के बाद
हम एक स्पून लेंगे और स्पून के बैक साइड से इस तरह करके हम इसे स्मूथ करेंगे और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख के छोड़ देंगे। अब हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे 500 ml, मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकती हैं, जैसे कि अमूल की फ्रेश क्रीम होती है, या फिर पाकिस्तान में टेट्रा पैक की क्रीम होती है ऑलपर्स वाली, तो आप वो भी ले सकती हैं। 1 tablespoon हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, पाउडर शुगर हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप शुगर ना ऐड करें। ये आप देख सकती हैं कि मैंने इसे इस तरह करके बीट कर लिया है, थोड़ा सा ये थिक हो गया है। इसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इसे कस्टर्ड के ऊपर डाल सकती हैं। और जैसा कि मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ तो वो ज़्यादा थिक होती है, तो उसे मैं और ज़्यादा बीट करूँगी। लेकिन अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हैं तो वो ज़्यादा थिक नहीं होगा, उसे ऐसे करके आप डेकोरेट नहीं कर सकती। उसे आप थोड़ा सा बीट कर लें, हैंड विस्कर से आप कर लें या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से आप कर लें, थोड़ा सा वो थिक हो जाए तो आप इसे इस तरह करके कस्टर्ड के ऊपर फुल लेयर इसकी डाल दें। मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ इसलिए वो थोड़ा सा स्टिफ होता है, तो मैंने इसके ऊपर इस तरह करके रोजेट्स बना दिए हैं। और जो बादाम है तो उसके मैंने स्लाइसेस काट लिए थे और इसी से मैंने इसे डेकोर किया है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने बादाम को डाल लेना है। बादाम अगर आप पिस्ते डालना चाहती हैं तो आप पिस्ते भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बादाम डालना चाहें तो बादामों से भी बहुत ही ज़बरदस्त ये डेज़र्ट तैयार होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल है, बच्चों को भी पसंद आती है और बड़ों को भी, बहुत ही ये डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।